मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। रोमांटिक इनकाउंटर करती हैं सारा अली खान। फिल्म सिम्बा के ट्रेलर और गानों में तो रणवीर सिंह और सारा अली खान की केमिस्ट्री नजर आ ही रही है, वहीं प्रमोशंस में भी दोनों की जुगलबंदी खूब दिखी। कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे की खिंचाई करना और कभी तारीफों के पुल बांधना। रणवीर ने कहा, रियल लाइफ में सारा सिर्फ रोमांटिक एनकाउंटर करती है। दरअसल फिल्म सिम्बा में सारा का एक डायलॉग है जहाँ वो रणवीर को कहती हैं, अगर आपको एनकाउंटर के टिप्स चाहिए हों तो मुझसे ले लेना। इसी डायलॉग पर सारा से मजाक करते हुए और उनकी खिंचाई करते हुए रणवीर ने ये जवाब दिया। इंडस्ट्री में फिल्म केदारनाथ से सारा अली खान ने लोगों के दिलों में अपने लिए पहले से ही जगह बना ली है। इसी बात पर रणवीर ने सारा की बड़ाई करते हुए कहा कि इनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि ये आजकल काफी लोगों से मिल रही है। जहां रणवीर सारा की तारीफ करते नहीं थके, वहीं फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बताया कि वो सारा की उम्र और एक्सपीरियंस के चलते उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन उनके काम को लेकर वो भी बेहद खुश हैं। देशभक्ति से भर देगा फिल्म उरी का नया गाना। बॉलीवुड में देशभक्ति और दो साल पहले हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी का नया गाना रिलीज किया गया है। मैं लड़ जाना नाम के इस गाने को सुनकर आपके अंदर जोश और चिंगारी भर जाएगी। फिल्म 11 जनवरी को रिलीज हो रही है। विकी कौशल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस गाने को शेयर करते हुए लिखा कि भारत देश का नया एंथम जो आपको गर्व और जोश से भर देगा। 18 सितंबर 2016 को कश्मीर के उरी बेस कैंप पर हमला कर आतंकियों ने हमारे 19 जवानों को शहीद किया था, लेकिन ये शायद पहला ही मौका था कि पूरा देश अपने जवानों को खोने पर पूरी तरह आग बबूला हो गया था, जिसके बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम उठाकर अपने जवानों की शहादत का बदला लिया था। 28 सितंबर को देश भर में सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आलोक नाथ की बेल पर आने वाला है फैसला। मीटू कैंपेन में कई चर्चित लोगों के खिलाफ आरोप लगे थे, इनमें एक नाम अभिनेता आलोक नाथ का भी था। उन पर राइटर विंता नंदा ने संगीन आरोप लगाए थे। इस मामले में आलोक नाथ की अग्रिम जमानत की याचिका पर मुंबई की सेशन कोर्ट ने अपना फैसला 26 दिसंबर तक सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि विंता ने आलोक नाथ के खिलाफ सेक्शन 376 के तहत केस दर्ज कराया था। मीटू अभियान के तहत विंता नंदा ने आलोक नाथ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने न सिर्फ उनके साथ जबरदस्ती की बल्कि कई बार हाथापाई भी की। इन आरोपों को चुनौती देते हुए आलोक नाथ भी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने विंता के खिलाफ मानहानि का केस किया था। फिलहाल कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। शाहरुख ने महाभारत को लेकर किया बड़ा खुलासा। आमिर खान महाभारत टाइटल से फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। आमिर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में कई बड़े सुपरस्टार्स नजर आने वाले हैं। आमिर का ये प्रोजेक्ट एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में शाहरुख खान ने महाभारत में आमिर के रोल का खुलासा कर दिया है। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में कहा कि आमिर खान महाभारत सीरीज में भगवान कृष्ण का रोल करते हुए नजर आएंगे। पहले से ही इस बारे में कयास लगाए जा रहे थे, मगर अब शाहरुख ने इसे कन्फर्म कर दिया है। हालांकि अभी खुद आमिर या उनकी टीम की तरफ से इस बारे में किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। चर्चा थी कि आमिर 1000 करोड़ के भारी भरकम बजट में महाभारत नाम की फिल्म बनाएंगे। आमिर खान पिछले कई साल से इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं, जहां उनकी टीम जमकर इस पर काम कर रही है, लेकिन अब आमिर खान इसको फिल्म न बनाकर एक वेब सीरीज की तरह रिलीज करेंगे जो 7 अलग भाग में रिलीज होगी। आमिर खान जल्द ही अपनी टीम के साथ अमेरिका जा सकते हैं। इस दौरान वो कहानी को आइडिएट करने का काम करेंगे। वेब सीरीज में वो नए कलाकारों को मौका देना चाहते हैं। अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह क्यों नहीं दिखते एक साथ। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ये दोस्ती बड़े पर्दे पर भी नजर आई है, लेकिन लंबे वक्त से ये स्टार साथ नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसका खुलासा हाल ही में रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर फैंस के पूछे गए सवाल के जवाब में बताया। रणवीर सिंह ने #AskSimba के साथ फैन से बातचीत की। इस सेशन में एक फैन ने एक्टर से पूछा कि अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह आप दोनों की जोड़ी कब वापसी कर रही है। इस सवाल के जवाब में रणवीर सिंह ने कहा, मैं भी उसे बहुत याद करता हूं, बाबा बहुत बिजी हैं, पानीपत में इन दिनों फोकस कर रहा है। सिम्बा बॉयज गोना किल इट। बता दें रणवीर सिंह की शादी के रिसेप्शन में अर्जुन कपूर मलाइका के साथ नजर आए थे, लेकिन उसके बाद दोनों अपने फिल्म प्रोजेक्ट में बिजी चल रहे हैं। अर्जुन कपूर फिल्म पानीपत की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म के लिए अर्जुन ने अपने लुक को भी चेंज किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है चित्रांगदा की तस्वीरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं।
उन्होंने रविवार को अपनी दो तस्वीरें शेयर की जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वायरल तस्वीर में चित्रांगदा ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है। इंस्टाग्राम पर उनकी इस तस्वीर को 60,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। चित्रांगदा सिंह अपनी स्टाइल को सरल और ऑर्गेनिक रखने में यकीन करती हैं और उनका कहना है कि वो फैशन के मामले में बहुत ज्यादा नहीं सोचती और इसे तूल नहीं देती हैं। चित्रांगदा ने सहज रूप से स्टाइलिश रहने के बारे में पूछे जाने पर बताया, मैं बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं सोचती और इसे सरल और ऑर्गेनिक रखना पसंद करती हूँ। एक मशहूर शख्सियत होने के नाते आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी होनी चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाए। उन्होंने कहा, मैं ब्रांड्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज में सहज हैं तो फिर उसे चुने। प्रियंका के रिसेप्शन पर नहीं आए आमिर, शाहरुख और अक्षय। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड सिंगर निक जोनास ने 20 दिसंबर को बॉलीवुड के दोस्तों के लिए खास रिसेप्शन दिया जिसमें फिल्मी दुनिया के कई बड़े चेहरे नाचते गाते नजर आए। लेकिन कुछ खास स्टार्स इस रिसेप्शन से नदारद थे जिनमें अक्षय कुमार, आमिर खान और शाहरुख खान जैसे सितारों के न आने पर कई लोगों के मन में सवाल आए कि क्या प्रियंका ने इन्हें बुलाया नहीं या इन सुपरस्टार्स ने प्रियंका के रिसेप्शन में ना जाने का फैसला किसी खास वजह से लिया है। आमिर खान की बात की जाए तो 20 तारीख को अपनी बिग बजट फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के प्रमोशन के लिए चीन में थे, तो वहीं शाहरुख ने इस दिन अपने घर पर जीरो की टीम के लिए खास पार्टी रखी थी जिसमें गौरी और शाहरुख शायद देर रात तक मेजबानी में बिजी रहे क्योंकि अगली सुबह फिल्म की रिलीज डेट थी। वहीं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं, इसलिए वो भी इन दिनों देश के बाहर ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सितारों का जानबूझकर प्रियंका के रिसेप्शन में ना जाने का कोई इरादा नहीं था। दीपिका ने चिट्ठी के जरिए दी थी बीमारी की जानकारी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी साल 2018 की सबसे चर्चित खबरों में से एक है। दीपिका ने शादी से पहले एक चिट्ठी के जरिए अपनी एक बीमारी का खुलासा किया था। उन्होंने इससे निपटने की कहानी भी सुनाई थी। दीपिका ने एक मैगजीन पर इस बात का खुलासा किया और बताया था कि वो साल 2014 में डिप्रेशन का शिकार हुई थी और उन्होंने इसका डायग्नोसिस कराया था। मैगजीन ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कर कैप्शन के जरिए इसकी जानकारी शेयर की थी। दीपिका ने लिखा था, मेरे लिए ये मुश्किल घड़ी थी जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपनी इस पर्सनल जर्नी को नेशनल टीवी पर शेयर करना है, वो भी इस उम्मीद के साथ कि और लोग भी इससे प्रेरित होकर अपने डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसके कुछ समय बाद मैंने लिव लव लाफ फाउंडेशन का निर्माण किया जो स्ट्रेस, डर और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करती है। बता दें कि इससे पहले भी कई मौकों पर दीपिका इसका जिक्र कर चुकी हैं। इसी के साथ उन्होंने लोगों को भी डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी को हल्के में ना लेने और खुलकर इस विषय पर बात करने की सलाह दी थी। नसीरुद्दीन शाह बोले, मुझे शोर मचाने की जरूरत नहीं। नसीरुद्दीन शाह अक्सर देश और समाज के बुनियादी सवालों पर अपनी राय रखते आए हैं लेकिन भीड़ की हिंसा पर हाल ही में दिया गया उनका बयान बड़े विवाद की वजह बन गया है। अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में विरोध के चलते वो हिस्सा भी नहीं ले पाए। अब उन्होंने एक वीडियो के जरिए अपनी किताब लॉन्च करने के साथ ही बयान को समझाने की कोशिश की है। अजमेर से कुछ दूर पुष्कर में बंद दरवाजों के पीछे अज्ञात जगह पर नसीरुद्दीन के लिए एक सेशन का आयोजन किया गया। इसका संचालन उर्दू लेखक सैफ मोहम्मद ने किया। यहाँ नसीर ने अपनी किताब नसीर का नजीर फिर एक दिन का विमोचन किया। रविवार को अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में नसीर के प्रशंसकों के सामने वीडियो मैसेज के जरिए किताब रिलीज हुई। उन्होंने इस दौरान अपने बयान पर सफाई दी कि ये देश मेरा भी है और इसके लिए मुझे शोर मचाने की जरूरत नहीं है। राज कपूर और दिलीप कुमार की यादों को संजो रहा है पाकिस्तान। साल 2018 अगस्त में राज कपूर के स्टूडियो आरके स्टूडियो में शूटिंग के दौरान आग लगी जिसके बाद कपूर खानदान ने हिंदी फिल्मों की इस विरासत को बेचने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर पिछले हफ्ते दिलीप कुमार भी अपने घर को लेकर चर्चा में आए। बहरहाल हिंदी फिल्मों के इन महान अभिनेताओं के भारत में स्थित घरों पर भले मुसीबत आन पड़ी हो लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान इन लोगों की यादों को संजो रहा है। पाकिस्तान सरकार इन दोनों अभिनेताओं के पुश्तैनी घरों को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दे चुकी है लेकिन अब पीएम इमरान खान सरकार इन इमारतों को खरीदने की योजना बना रही है। कपूर हवेली के नाम से प्रसिद्ध राज कपूर का पैतृक घर किस्सा खवानी बाजार में स्थित है। प्रांतीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। इसके अलावा मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का 100 साल से अधिक पुराना पैतृक घर पेशावर के किस्सा खवानी बाजार में स्थित है। नवाज शरीफ सरकार ने 2014 में संघीय पुरावशेष अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। अब जबकि पाकिस्तान सरकार राज कपूर और दिलीप कुमार के पुश्तैनी घरों को खरीदने की योजना बना रही है, इसे ये उम्मीद जगी है कि सरहद पार हिंदी फिल्मों के इन दोनों महान अभिनेताओं की पुरानी यादें दोनों मुल्कों के लोगों के लिए जिंदा की जा सकेंगी।
मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट के साथ। देखते रहिए मायापुरी का। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।